हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस डूइंग प्रीटी वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ होम के बेसमेंट टूर के लिए। ये रहेगा पार्ट वन, और पार्ट टू जब हमें होम के ओनर से परमिट मिल जाएगी तब हम बना देंगे उसका पार्ट टू। लेकिन आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बेसमेंट टूर में, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और मैं रहता हूँ अपर पार्ट में। तो हम आपको दिखाएंगे पूरा का पूरा बेसमेंट क्या होता है, कैसा होता है, और प्लस प्राइजेस भी आपको बताएंगे कि कैसी होती है। अभी हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, लेकिन फैशन के चक्कर में लुक अच्छा है तो देते हैं आपको। कैमरा के पीछे है विश्वा, आज उसका आईफोन 12 आ चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि उसका फ़ोन हमने apple.ca से मंगवाया था। लेट्स गो बिना किसी बकवास के, चलिए चलते हैं। ये मेरा पूरा फेवरेट सेक्शन है, ये पूरा यहाँ से हम चलकर आते हैं जहाँ से पूरी बेसमेंट की सेपरेट एंट्रेंस है। वहाँ पर जो आपने फ्रंट देखा रहेगा वहाँ से वो फ्रंट एंट्रेंस है, जहाँ पर ओनर वहाँ से एंटर होता है और स्टूडेंट सारे यहाँ से एंटर होते हैं। ये हमारी एंट्रेंस है, ये बाजू वालों की एंट्रेंस है। चलिए हमारी एंट्रेंस चलते हैं। ये हमारा पूरा पीछे का बैकयार्ड है, जहाँ पर समर के टाइम पर बहुत ज़्यादा चिल करते हैं। आप किसी भी घर में जाओगे बैकयार्ड तो होता ही है, जहाँ पर आपको भी कभी कभी गार्डन कट करना होता है समर के टाइम पे, लेकिन हमारे यहाँ ओनर गार्डन कट कर देते हैं। तो ये पूरा बैकयार्ड है जहाँ पर मज़ा आता है। ये जो पूरा शू रैक है, जो अभी अभी दो दिन पहले पूरा सेटअप हुआ है, सारे शूज यहाँ पे पूरी तरह ऑर्गेनाइज रहेंगे, क्योंकि यार पहले जो पूरा यहाँ पे सारे शूज बिखरे हुए रहते थे, लेकिन अब जो है स्ट्रिक्ट रूल्स बन चुके हैं, क्योंकि घर में सफाई बनी रह रहा है। तो अब हम चलते हैं आपको पहले रूम में लेकर, जहाँ पर तीन लोग रह सकते हैं, तीन लोग की कैपेसिटी है। चलिए, ये जो है हमारा घर का बेसमेंट का, इनफैक्ट घर का पूरा सबसे बड़ा रूम है ये, जहाँ पर तीन लोगों की कैपेसिटी है। एंड यहाँ पर दो लोग जो थे वो खाली करके चले गए, तो यहाँ पर बची सिर्फ एक लड़की है। दो लोग और नए आ जाएंगे, दो लड़कियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है पूरा हीटिंग सिस्टम है यहाँ पर, जिसके अंदर आग वाग लगा के तुम लाइक फायर कर सकते हो और हीटिंग चालू कर सकते हो अगर करना हो तो। बाकी ये यहाँ पर पूरा क्लोजेट है, ये पूरी जब एक्सेसरी जब खुद से लोग लाते रहते हैं ड्रॉअर वगैरह, ये वॉलमार्ट में मिल जाते हैं $20 का राउंड। बस यही था ये वाला जो बड़ा रूम है। फिर इस तरफ ये देखेंगे ये सब फर्नीचर पूरा का पूरा ओनर की तरफ से दिया गया है, तो आप जो भी है यहाँ पर क्लोजेट रख सकते हो। किसी किसी घर में ऐसे होते हैं ऐसे टाइप के क्लोजेट, किसी में नहीं भी होते हैं, तो डिपेंड करता है आप कितना रेंट दे रहे हो प्लस ओनर कैसा है। चलिए नेक्स्ट रूम चलते हैं सामने वाले। ये जो सामने वाले रूम ये विश्वा का रूम है, यहाँ पर और एक लड़की जस्ट अभी कल ही शिफ्ट हुई है, दो दिन पहले। ये उन लोग का रूम है, यहाँ पर भी इन्होंने दो क्लोजेट वगैरह दिए हुए हैं। और ये जो देख रहे हो ऐसा, वहां पर जो देखोगे वैसा पूरा का पूरा दोनों ओनर ने जस्ट अभी अभी नया दिया हुआ है, तो वो उनके यूज में आ सकता है इसके लिए। फिर ऐसे बेड्स जो स्टील के बेड्स हैं, जो नीचे पूरे ऐसे बेड्स भी उन्होंने प्रोवाइड करके रखे हैं, ऐसे जो पहले थे वो पूरे वुडन के थे, लेकिन वुडन में क्या होता है बैट बग्स की ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो पूरा उन्होंने क्लियर आउट कर दिया और उसके बाद ये नए स्टील के जो दिए गए हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में आगे। ये डाइनिंग टेबल दिया गया है, यहाँ पर हम तो बैठ के खाना खाते हैं, चिल करते हैं। आगे चलते हैं, ये स्टोरेज है, तो आप देखोगे ये सारी स्टोरेज यहाँ पर सबकी ट्रॉलीज एंड बैग्स वगैरह रखी हुई है इसी के अंदर। और ये जो है हम यूज करते हैं उस दौरान जब हम शॉपिंग करने जाते हैं। सो इस तरह का कुछ है यहाँ पे स्टोरेज रूम। ये बॉयज वॉशरूम है, इसमें ज्यादा कुछ देखने जैसा है नहीं, बस तो ऐसा कुछ है। सो ये बॉयज वॉशरूम है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर लोग अभी सो रहे हैं, तो अभी मैं नहीं देखा पाऊ। सो आगे हम चल रहे थे तभी बात की। यहाँ के गर्ल्स वॉशरूम, जिस तरह का वॉशरूम वहां पर था उस तरह का वॉशरूम यहाँ पर भी है। अब हम देखते हैं फ्रिज का सेक्शन। ये फ्रिज है, फ्रिज को आप एडवांस में जजमेंट करना, ये पूरा खाली है, क्योंकि हमने दो दिन पहले सबने मिलकर न्यू ईयर की पूरी सफाई की थी घर की, काफी चीजें खाली हो चुकी हैं। ये कल के पिज्जा पड़े हुए,
अच्छी तरह सब कुछ पूरा खाली हो चुका है। तो लेट्स सी, धीरे धीरे सब हम फील करते जाएंगे। नेक्स्ट वन करते हैं इस तरह। अब ये जो है पूरा का पूरा देखो, ये किचन एरिया है। किचन एरिया में जैसे कि हर जगह क्लोजेट होते हैं, जैसे कि आप देखोगे पूरी तरह वार्डरोब दिए गए हैं, पूरे सारा का सारा वेल फर्निश्ड है, सभी का पूरा सामान पड़ा हुआ रहता है। जैसे कि ये न्यूट्रला देखते हो, ये सब चीजें यहाँ पे रहती है। ये थोड़ा बहुत बर्तन जो पड़े हुए लोगों के एक्स्ट्रा है वो भी यहाँ पर है, एंड थोड़े के जो डेली यूज में आते हैं वो पूरे यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर ये सारे स्टैंड, ये दो उन्होंने प्रोवाइड करके दिए हुए हैं, तो वो भी अच्छा है। फिर ये सॉरी फॉर द चीप वे, बट पानी आप पी सकते हो, पानी आप पी सकते हो कहीं से भी, आप यहाँ से पियो या बाथरूम से पियो, हर जगह पानी पूरी तरह सेम आता है। तो कनाडा का यही बहुत फायदा है कि नो एक्वा गार्ड, नो वाटर बैग, नो मटके भी नहीं, कोई झंझट नहीं है, पानी एक ही जगह से पीना है। यहाँ पे आगे और पीछे पूरा हॉट वाटर का पूरा सिस्टम है। फिर अपना माइक्रोवेव, जहाँ से सारा फ्रोजन फूड तुम गर्म करके खा लो फटाफट से। ये होगा इसी तरह सारे जो भी है कबाट वगैरह, यहाँ पर जो हम ग्लासेस रखते हैं, सारे कप्स वगैरह सारे यहाँ पर रहते हैं। ये हो गया गार्बेज का सेक्शन, जहाँ पर खाना उठाया, सफाई की, फिर सीधा यहाँ पे फूड गार्बेज होता है। इधर है जो पूरा ब्लैक गार्बेज, जिसके अंदर सारा कॉमन कचरा चला जाता है। ये हमारा गैस, इंडिया में इस तरह की कॉइल नहीं होती है, इंडिया में जो होती है वो फायर फ्लेम होती है। तो यहाँ पर आप देखो कॉइल होती है, तो कॉइल के लिए चाहिए इंडक्शन वाले यूटेंसिल। सो ऐसे टाइप के यूटेंसिल अगर आप लाओगे तो बेहतरीन होगा, जो कि फ्लैट हो, एटलीस्ट फ्लैट हो तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर जो है ये पाइपलाइन जो देखते हो वो पीछे की तरफ जा रही है, आइए वहाँ चलते हैं। वहाँ पर है ये मेरा वाला क्लोजेट है, जहाँ पर सारी मेरी ग्रोसरी रखी हुई है। ये आटा है, ये राइस वगैरह सब, इसके अंदर मैगी है। ऐसा चलते हैं फाइनल पार्ट में, यहाँ के बाद ऑलमोस्ट डन है। तो ये जो है पूरा का पूरा घर का हीटिंग सिस्टम है, जो यहाँ से कंट्रोल होता है। जितना भी घर का हीटिंग हर जगह पहुंचा जाता है, एयर कंडीशनर एंड हीटिंग बोथ ऑफ देम आर कंट्रोल फ्रॉम हियर। ये पूरा सेटिंग यहाँ पर है, तो ये रूम से ज्यादा छेड़खानी कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आई, समझ लो डेड है। लाइक बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ की वायरिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ के घर बनना, यहाँ के स्ट्रक्चर बनना बहुत अलग तरह से बनते हैं, तो इसी तरह का कुछ ये है। और थोड़ा बहुत हम यहाँ पर स्टोरेज रूम की तरह भी यूज करते हैं, जो जितना भी सामान है पूरा इस एरिया से दूर रखना है, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ भी प्रॉब्लम ना आ जाए मशीन को, इसीलिए इन चीजों को दूर रखते हैं। हाँ, तो बस यही था ये अंदर का स्टोरेज रूम। चलिए फिर बात। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा पूरा बेसमेंट का टूर, जहाँ का रेंट 375 पर हेड है, प्लस ऊपर के रहने वाले लोग का भी 375 है। तो पूरे घर में आप कहीं पर भी रहो तो 375 का रेंट है। तो यहाँ का ये सिस्टम है कि जो ओनर है वो लीज प्रोवाइड कर रहा है, प्लस वो साथ में भी रहता है। उनके जो रूम्स और उनके ड्राइंग रूम्स हैं वो उनके हैं और वो यूज़ करते हैं, और उन्होंने हमें घर या रहने की जगह रेंट पे प्रोवाइड करी है, ताकि हम रेंट पे करें और उनके साथ रहें। अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लोग चार पांच जन मिलके इकट्ठे ही रूम ले लेते हैं, इकट्ठे अपार्टमेंट ले लेते हैं, तो उनका रेंट उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई लोग जो है लीज तोड़ के चले जाते हैं बीच ही में, तो दूसरे लोगों को सफ़र करना पड़ता है, दूसरे लोगों को उनका रेंट भरते रहना पड़ता है जब तक नए लोग नहीं मिल जाते। तो इसी तरह कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। ये घर जो मुझे मिला था वो मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस से मिला था, और मैं तभी से यहीं पे रहना हूँ। तो यार मेरी किस्मत समझो या जो भी है, मुझे यहीं पे घर मिल गया था, बहुत अच्छी किस्मत रही। तो मैं 375 रेंट दे रहा हूँ पहले से। सो यार यही थी यार आज की वीडियो, ये पूरी बेसमेंट टूर थी। आपको बेसिक पता लग गया होगा कि कैसा होता है, एंड जब मुझे परमिशन मिल जाएगी तब मैं ऊपर के पार्ट का भी पूरा रूम टूर बनाऊंगा। ऊपर का अगर आप देखोगे ना मज़ा ही आ जाएगा, इतनी जबरदस्त घर होती है यहाँ पे, तो आपको मजा आएगा देखने के लिए। या सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय, सी या। पूरा का पूरा आप देखोगे ये किचन एरिया है। किचन एरिया में जैसे कि हर जगह क्लोजेट होते हैं, हाफी है उसकी कुछ एक्सेंट आमरे आमरे ध्यान मत पाजी।